अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड सिल्वर से कर लेते हैं सर। सोने चांदी में आज बड़ा रेंज का ट्रेड हो रहा है, कल से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है, क्या करना चाहिए सोने चांदी में? नमस्कार मितुन जी। डेफिनेटली देखिए तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी में थोड़ी बहुत गिरावट है, जिस से डॉलर 111 के करीब आया है और ज्यादा करके देखते हैं फेड की मीट से पहले गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी गिरावट रहती है। बट रुपया आज फिर से 83 का लेवल पार कर गया है, जिसकी वजह से सपोर्ट देखने मिला है। तो एक दायरा रहेगा जो 50,000 से 50,400 का एक दायरा रहेगा। तो आज इंटरडे के लिहाज से 50,150-200 के करीब लेके चलिए, अपसाइड लिमिटेड रहेगा जो 50,400 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी सोने चांदी पर जहां पर बाइंग की राय, इस पर आप नजर रखिए। इसके अलावा आते हैं आप कच्चे तेल पर और क्रूड का मार्केट। इस वक्त आप देखिए कि क्रूड दबाव में है, हालांकि अच्छा इससे पहले चांदी पर आपका व्यू अजय जी, सिल्वर में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी में भी दबाव जरूर है, बट डोमेस्टिक मार्केट में रुपए का एक बैलेंस चलता रहेगा। तो दायरा बना रहेगा जो 56,800 से लेकर 57,800 का है। इंटरडे के लिहाज से 57,200 के करीब लेके चलिए, अपसाइड लिमिटेड है, बट 57,700-800 तक का लेवल चांदी में भी हम देख पाएंगे। ठीक है, क्रूड पर आपका कमेंट क्या होगा, क्योंकि कच्चे तेल में आप देखिए एक दबाव है, चाइना जो कि एक बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, वहां से डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है, उसका इम्पैक्ट हम मार्केट पर देख भी रहे हैं, 95 के नीचे आ गया है ब्रेंट, क्या और गिरावट देख रहे हैं आप कच्चे तेल में? देखिए कच्चे तेल में मुझे लगता है कि जो चाइना वाला जो न्यूज है वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर गया है, बट इंपॉर्टेंट जो रहेगा रशिया रहेगा, और साथ में हमने जानते हैं कि ओपेक 1 तारीख से प्रोडक्शन कट करेगा। ये दोनों कारण की वजह से मुझे लगता है कि बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। 7,190 का भाव चल रहा है, 7,200 का लेवल तोड़ने पे बाइक करके चलिए, 7,300 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, क्योंकि ओपेक प्रोडक्शन कट करता तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली प्राइस पे आता हुआ दिखाई। अच्छा, जिंक पर आपका व्यू क्या है? जिंक में भी आज कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है, क्या जिंक में अभी आपको लगता है कि कुछ ट्रेड का मौका है? 3% नीचे है जिंक। ऑलरेडी हमने शुक्रवार को और आज दोनों ही टाइम पे जिंक कॉपर सभी में गिरावट आती हुई देखा है, खास करके चाइना से जो नंबर है वो अनएक्सपेक्टेडली खराब आने की वजह से ये गैप डाउन हुए हैं। बट आई थिंक पहले भी हमने देखा था कि 255-254 का जो रेंज है वो काफी सपोर्टिव रेंज है, तो आई थिंक मार्केट को यहाँ से एक सपोर्ट मिलना चाहिए जो 258 तक का एक बाउंस देखने मिल सकता है जिंक के अंदर। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ग्वार के ऊपर होगा, ग्वार की कीमतें लगातार दबाव में हैं, आज भी मार्केट दबाव में है, क्या ये दबाव, ये कमजोरी, ये गिरावट और बढ़ सकती है ग्वार की? देखिए ग्वार में मॉर्निंग सेशन में हमने देखा थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ी थी, फिर वापस मार्केट एक दायरे में, तो आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 12-15 नवंबर तक मार्केट एक दायरे में रहेगा जो मुझे लगता है 46.50 से 45.50 का दायरा रहेगा। तो आज जरूर मार्केट ने 46 के नीचे गया है, तो हो सकता है 45-40-50 तक का एक बार लेवल दिखा दे, बट ये 45-50 के नीचे सस्टेनेबल नहीं रहेगा। बाकी जो इलेक्शन है यूएस में मिड टर्म, उसके बाद मुझे लगता है कि उछाल मिलना चाहिए, टाइमिंग मार्केट 46.50 से 45.50 के बीच में ट्रेड करेगा। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर कि ग्वार में अभी आपको करना क्या है, 4,520 ये टारगेट है ग्वार का, और आप कह रहे हैं कि 4,620 के भाव पर बेच दें, लेकिन सर मार्केट अभी 4,586 के आसपास है, तो क्या आपके आपका जो बिकवाली का लेवल है तब तक के लिए वेट करें या यहां भी शॉर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं? करंट लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि 45-80-90 के आसपास से मार्केट थोड़ा बाउंस कर लेता है, तो बेटर रहेगा 46-20 के बाउंस पे ही हम पोजीशन बनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका।